कितना अजीब है ये कि जो सर्वदा धन्य है और अनंत काल से महान है, उसे ऐसा कष्ट सहना पड़ा जिसके बारे में सोचकर उसका पसीना लहू की बूंदें बनकर जमीन पर गिरने लगा। कितना अजीब है ये कि सारी कायनात का मालिक और न्याय करने वाला खुद जमीन पर रहने वाले महापापियों के द्वारा अदालतों में खींचा जाएगा और फिर दोषी ठहराया जाएगा। कितना अजीब है ये कि जो खुद जिंदा खुदा है और दूसरों को जिंदगी की सांसें देता है, खुद मौत के वश में कर दिया जाएगा। कितना अजीब है ये कि जिसने इंसान जाति को अपने हाथों से बनाया, वो खुद अपने हाथों से बनाए हुए इंसानों के द्वारा रौंदा जाएगा, मार दिया जाएगा। कितना अजीब है ये कि जो अनादि और अनंत है, महिमा और प्रताप के योग्य है, जिसके सामने फरिश्ते झुकते हैं और सजदा करते हैं, उसके मुंह पर ये जमीन पर रहने वाले कीड़े थूकेंगे। कितना अजीब है ये कि जो सर्वदा भला है और खुद प्यार और दया का सागर है, वह इतनी भयंकर नफरत और क्रोध का शिकार होगा। कितना अजीब है ये कि जिसे अनंत काल से उसके पिता ने इतना प्यार किया है और इतनी मोहब्बत दी है, वो अपने ही पिता के द्वारा त्याग दिया जाएगा और कुचल दिया जाएगा। कितना अजीब है ये कि जो स्वर्ग का बादशाह है, स्वर्ग जिसका सिंहासन है और पृथ्वी जिसके पांव तले की पीढ़ी है, वो एक गुफा में जमीन के नीचे दफना दिया जाएगा। ये सब उसने किया मेरे और आपके साथ मोहब्बत की खातिर। हम तो उसके दुश्मन थे, लेकिन फिर भी उसने इस क्रेजी प्यार की खातिर अपनी जान हम पर निशावर कर दी। वचन में लिखा है कि किसी धर्मी की खातिर भी बड़ी मुश्किल से कोई अपनी जान देता है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, तो मसीह हमारी खातिर मरा। ये सच में कितना अजीब है कि खुदा, जिसे हमारी कोई जरूरत भी नहीं है, हमारे बिना भी वह रह सकता है, लेकिन फिर भी हमें इतना सीरियसली लिया कि हमें पाने के लिए, अपने पास बिठाने के लिए अपना सिंहासन छोड़कर अपने आप को इतना नीच कर दिया कि एक लानती की मौत मरा। और मैं ये सोचकर हैरान हूं कि ये कितना अजीब है कि हम इंसान जो उसके बिना रह नहीं सकते हैं, जो हमारी सांसों को अपने वश में रखता है, जो जीवन का स्रोत है, हम उसे और उसकी मोहब्बत को सीरियसली ही नहीं लेते हैं। हम उसके पास जाना नहीं चाहते हैं, हम उसे प्यार करना नहीं चाहते हैं, उसके लिए जीना नहीं चाहते हैं, जो हमारे लिए अपनी जान तक को भी कुर्बान कर गया। How great is the love the Father has lavished on us that we should be called the children of God. देखो पिता ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, मुझे पापों से छुड़ाने, खून क्रूस पर बहा दिया, मुझे पापों से छुड़ाने, खून क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया,
मैं भुला ना सकूंगा कभी, कितना गहरा प्यार किया मैं भुला ना सकूंगा कभी, मैं भुला ना सकूंगा कभी।